Welcome to Nav Classes. If you are new to my channel or viewing my videos for the first time, then please do subscribe. Discuss करेंगे profit and loss और discount के बिल्कुल basic concepts. फिर उसके बाद हम questions को discuss करेंगे. Basic concepts हम discuss कर रहे हैं आज. तो इसके लिए कुछ basic formulas होते हैं जो कि आपके हर बार 101% exactly correct answer देंगे. और कुछ होते हैं short tricks. वो भी हम समझेंगे कि कैसे short tricks लगाते हैं. वो भी correct answer देते हैं. लेकिन कई बार students वो exam में भूल जाते हैं short tricks. इसलिए concepts को समझना जरूरी है उसके लिए. Profit and loss की definitions formula क्या होता है? सबसे पहले समझो कि cost price क्या होता है. ये होता है जिसके ऊपर article कुछ भी purchase किया है, जिसके ऊपर भी एक मैन्युफैक्चरर ने या किसी ने आर्टिकल पहले परचेज किया है, उसके बाद उसने सेल किया है. दिस आर्टिकल, दिस इज प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, जिस पे वो आर्टिकल बेचा होगा, सेल किया होगा, वो हो गया सेलिंग प्राइस. प्रॉफिट क्या होगा? अगर तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो ये प्रॉफिट हो गया, लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम है तो ये लॉस हो गया. इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, डिफरेंस इस प्रॉफिट. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हुआ? सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट या गेन आ जाएगा. लॉस कब आएगा? जब हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, यानी कि उसने जिस जिस अमाउंट पे एक आर्टिकल कोई भी चीज़ खरीदी थी उससे कम में बेची है तो उसको लॉस हो गया. इसलिए कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था और सेलिंग प्राइस कम था तो वहाँ पर हो गया लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर. ये अच्छे से याद कर लीजिए कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा ही कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है. मार्क्ड प्राइस क्या होता है? दिस इज द प्राइस मार्क्ड एज सेलिंग प्राइस ऑन आर्टिकल, ऑल्सो नोन एज लिस्टेड प्राइस. जो भी हमने आर्टिकल बेचना है उसके ऊपर मार्केट प्राइस लिखा होता है तो उसको हम बोलते हैं, जो कि एक सेलिंग प्राइस भी है और उसको लिस्टेड प्राइस भी बोलते हैं. डिस्काउंट या रिबेट क्या होती है? कई बार 10% 20% एक्सेट्रा कितना भी डिस्काउंट दिया होता है प्रोडक्ट पे, जितना भी सेलिंग प्राइस होता है उसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया जाता है. दिस इज रिडक्शन इन प्राइस ऑफर्ड ऑन मार्क्ड और लिस्टेड प्राइस. मतलब कि जो सेलिंग प्राइस होता है या मार्क्ड प्राइस होता है उसके ऊपर जो रिबेट दी जाती है या फिर डिस्काउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट या रिबेट. अब समझते हैं इनके बेसिक फॉर्मूलाज को. अगर गेन निकालना हो या प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जितना भी गेन या प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है तो गेन को हम कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे और इनटू करेंगे 100 से. ये इजी फॉर्मूलाज है, इनको अच्छे से समझ लीजिए. लॉस कैसे निकालेंगे? जितना भी लॉस होगा उसको फिर कॉस्ट प्राइस से नीचे, डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस ही लेंगे क्योंकि ये सब याद रहे कि कॉस्ट प्राइस पे लिए जाते हैं. प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है इसलिए. ठीक है, लॉस को हम डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से इनटू 100. सेलिंग प्राइस क्या होता है? 100, हमने 100 माना है कॉस्ट प्राइस को. इसमें जितना भी गेन का परसेंट होगा, गेन परसेंट को हम डिवाइड करेंगे 100 से इनटू जितना भी कॉस्ट प्राइस होगा वो. ऐसे आपका निकलेगा सेलिंग प्राइस. अगर तो यहाँ पर हुआ है गेन, यानी कि अगर प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर हुआ है लॉस तो 100 में से हम इसको लॉस की परसेंटेज को मान लेंगे. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम 100% मान रहे हैं कॉस्ट प्राइस को. कॉस्ट प्राइस अलग है लेकिन जो ये 100 है ये 100% हम कॉस्ट प्राइस को मान रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा कुछ गेन का परसेंट ऐड हुआ है. अगर आपको गेन परसेंट और लॉस परसेंट दिया है तो उससे आपको सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है ये हम बता रहे हैं. यहाँ पर डिवाइड करेंगे 100 से इंटू कॉस्ट प्राइस. मतलब ये है लॉस के केस में हम इसको माइनस करते हैं. ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर तो किसी चीज़ पे 10% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस जितना भी कॉस्ट प्राइस होगा, हम कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% समझते हैं क्योंकि कॉस्ट प्राइस जितना भी है इसके ऊपर 10% अगर गेन हुआ है तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 110%. तो ऐसे हमने इस बात को समझा. अगर कॉस्ट प्राइस था आपका 100 रुपीज़, मान लो अगर 100 रुपीज़ भी था, तो इसके ऊपर हमने लॉस इनकर किया, लॉस 10% का, तो 10 हो गया. तो ये आपका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा कि आपने 90 रुपये का बेचा, क्योंकि जितने भी आपने ख़रीदा था उससे 10 रुपये कम बेच रहे हो. ठीक है, तो इसका मतलब 90 रुपये में बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस. तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर लॉस है 10% का तो सेलिंग प्राइस उसका 90% है. किसका? कॉस्ट प्राइस का 90% है.
अगर हमने अभी समझा कि सेलिंग प्राइस कैसे देखते हैं, अब हमें समझना है कि कॉस्ट प्राइस कैसे देखते हैं. ऐसे ही कॉस्ट प्राइस क्या फॉर्मूला होगा, 100 को 100 प्लस गेन परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस. वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे इसको ऊपर लिख रहे थे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नीचे लिख रहे थे. तो अगर हमें कॉस्ट निकालना है, लॉस हो गया है, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस की जितनी भी परसेंटेज है इनटू सेलिंग प्राइस, हम ऐसे निकालेंगे. ठीक है, अब हम इन फॉर्मूलाज को दोबारा से अच्छे से समझ लेते हैं. गेन क्या होता है, प्रॉफिट कब हुआ, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से. लॉस कब हुआ, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से. और ये दोनों ही कॉस्ट प्राइस पे हम मानते हैं कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम इन सबको निकालना है. गेन की अगर परसेंटेज देखनी है, यानी कि प्रॉफिट की परसेंटेज देखनी है, तो क्या करेंगे, जितना भी गेन है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस. इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, इसको समझते हैं हम इस तरीके से कि अगर गेन की परसेंटेज देखनी है या प्रॉफिट की परसेंटेज देखनी है, तो गेन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. अगर आपको ऐसे अमाउंट दी है एग्जाम में, तो आप इस अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो. इसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आपका ऐसे आता है गेन परसेंटेज. अगर लॉस देखना है, तो जितना भी कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से. और हम इन सब को किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे. तो कॉस्ट प्राइस ही नीचे आएगा लॉस के केस में भी इनटू 100. तो ये आपके फॉर्मूलाज होंगे इस अकॉर्डिंग. अगर आपको लॉस या गेन नहीं दिया, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं एग्ज़ाम में. फिर ये सब तो हम समझ चुके हैं, सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है और अगर लॉस हुआ तो वो कैसे निकालना है. कॉस्ट प्राइस भी निकालना हमने सीख लिया. इसको अच्छे से देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे नोट्स गिवन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ठीक है, अब हम आते हैं. अगर आर्टिकल बेचा है, पहले हमने क्या समझा था, 10% पे बेचा था, 10% प्रॉफिट पे बेचा था, तो सेलिंग प्राइस क्या था, 110% कॉस्ट प्राइस का. लेकिन अगर 35% प्रॉफिट पे बेचा है, तो सेलिंग प्राइस होगा 135% ऑफ कॉस्ट प्राइस. अगर आर्टिकल बेचा है लॉस पे, तो 100 में से 35 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 65% ऑफ कॉस्ट प्राइस. इतनी बात समझ में आ गई. अब एक और इम्पॉर्टेंट समझ लेते हैं यहाँ पर फॉर्मूला. व्हेन पर्सन सेल्स टू सिमिलर आइटम्स, एक आदमी ने, एक पर्सन ने दो सिमिलर आइटम्स सेल करी हैं. ठीक है, एक करी है गेन पे, यानी कि एक ने तो उसने एक आइटम पे तो प्रॉफिट कमा लिया कितना, एक्स परसेंटेज. इस बात को ध्यान से समझिएगा. एंड अदर एट लॉस ऑफ एक्स परसेंटेज, और दूसरे पे उसने लॉस कमाया कितना, एक्स परसेंटेज. दूसरे पे उसको लॉस हुआ. आइटम सेम है, उसने दोनों बेची, एक बेची प्रॉफिट में, एक बेची लॉस में. तो सम उसका आंसर आप कैसे निकालोगे, उसको टोटल अगर देखा जाए तो उसको लॉस ही हुआ है. उसको हम ऐसे लेमैन समझेगा कि नहीं, लॉस नहीं हुआ, उसको तो नॉर्मल हो गया उसका, क्योंकि एक पे प्रॉफिट कमा लिया, एक पे लॉस कमा लिया. लेकिन नहीं, इसको ध्यान से समझेगा. देन सेलर ऑलवेज इनकर्स अ लॉस, उसको हमेशा लॉस हुआ है. ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया तो उसको लॉस हुआ है. जितने परसेंटेज पे, अगर ये परसेंटेज सेम है, प्रॉफिट का परसेंटेज भी सेम है और उस लॉस का परसेंटेज भी सेम है, तो उसका फॉर्मूला होगा कॉमन लॉस एंड गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 10 और इसका होल स्क्वायर. अगर हम इस होल स्क्वायर को सॉल्व करें तो आएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो परसेंटेज थी उसका प्रॉफिट और लॉस की, इसका स्क्वायर डिवाइड करेंगे इसको 100 से, तो उसकी लॉस परसेंटेज निकल जाएगी. इतनी बात क्लियर है. अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि अगर एक सेलर ने कोई चीज़ बेची है, ठीक है, ट्रेडर ने कोई चीज़ बेची है, गुड्स को कॉस्ट पे ही बेचा है. देखो यहाँ पे वो, देखो यहाँ पर जो ट्रेडर है या सेलर है वो चीटिंग कर रहा है. इसने क्या किया कि कॉस्ट प्राइस है, मान लो अगर कॉस्ट प्राइस है 100 है, एग्जाम्पल ले रही हूँ, 100 ही है. ठीक है, उसने गुड भी 100 पे बेच दी किसी को, अपने कस्टमर को 100 रुपीज़ में ही बेच दिया. लेकिन उसने क्या किया, चीटिंग कर ली, उसने फॉल्स वेट यूज़ किए, उसने जो वेट्स थे तोलने में चीटिंग करी और उसने कम तोला और माल का जो अमाउंट है वो 100 रुपीज़ ही ले लिया. फॉर एग्ज़ाम्पल 1 किलो से उसने कम तोला, तो अब क्या होगा, इसका गेन परसेंटेज कैसे निकालेंगे. इस केस में भी तो उसने चीटिंग करी और उसको प्रॉफिट हुआ, उसका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जितना भी एरर है, ठीक है, जितना भी उसने एरर है, गलती से किया या फिर जानबूझ के किया,
उसको असली वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितनी थी उसकी, वो लिखेंगे नीचे, ट्रू वैल्यू, उसमें से माइनस करेंगे वही वाला एरर इनटू 100, तो ये उसका गेन परसेंटेज आ जाएगा। इस बात को क्लियरली समझ लीजिए, इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हमने इन सभी के बेसिक समझ लिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का और डिस्काउंट का, कि डिस्काउंट क्या होता है, सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस पे या मार्क्ड प्राइस पे या लिस्टेड प्राइस भी बोलते हैं, लिस्टेड प्राइस पे काउंट होता है, देखा जाता है। नेक्स्ट हम इनके क्वेश्चंस सॉल्व करना सीखेंगे, इन बेसिक फार्मूला से भी और ट्रिक के थ्रू भी। तो नव क्लासेस देखते रहें, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मुझे फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं नव क्लासेस पे। थैंक यू, वेलकम टू नव क्लासेस। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल और व्यूइंग माई वीडियोज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्लिक हियर ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड देन क्लिक ऑन नव क्लासेस, यू विल रीच टू माई चैनल। हियर यू कैन क्लिक ऑन बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड एज एंड व्हेन आई अपलोड माई न्यू वीडियो। नाउ प्लीज़ अपलोडेड वीडियोज़ यू कैन क्लिक हियर ऑन वीडियोज़ सो यू विल